आज की कहानी एक रैंडम प्लान की है जो मुझे नहीं लगता था कि कभी एग्जीक्यूट भी होगा, बट ये तो हो गया। अच्छी तरह तुम उस यादव से हमारा प्लान था स्कॉटलैंड जाने का, और हमारे पास खुद का स्कॉटलैंड है। और वहां जाने की एक्साइटमेंट में मैं 5 बजे उठ गया, लेकिन मेरे दोस्त अभी भी सो रहे हैं। सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। हमने पहले ई पास बना लिया था तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और अब थोड़े राइड के मज़े लेते हैं। कुछ भी बोलो, बाइक के पैसे वसूल है। यहाँ पे थोड़ा रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं। सिटी का रास्ता है, थोड़ा आगे जाके सिटी मिलेगा, और सिटी से और 40 किलोमीटर है। मैं दोस्त हूँ, मैं दोस्त है ना। और यहाँ पे बारिश हो रही है, भीग गया पूरा। तो यहाँ पे थोड़े रुके हुए हैं, जाना तो था ऊपर, और ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पे बारिश देने की वजह से यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। देखते हैं, बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर और ऊपर जाएंगे। गुवाहाटी में तो पूरा धूप था, लेकिन शिलांग एंटर करते ही पूरा बारिश हो गया। अभी यहाँ पे रुके हुए थोड़ा देर, बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। का नाम है स्मिथ, और यहाँ पे मोमोज मिल रहे हैं, तो थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। लाइटिंग यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे गुवाहाटी के मुकाबले बहुत ही ठंडी है। भाई साहब, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। यहाँ पे आए थे व्यू के चक्कर में, और यहाँ पे फॉगी फॉग है पूरा, बारिश की वजह से बहुत फॉग। वो लोग उधर है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे, वो लोग हल्ला कर रहे हैं। नीचे एक वाटरफॉल है, उसका साउंड सिर्फ सुनाई दे रहा है। अगर ये फॉग चला जाता है तब तो हम लोग वो भी देख सकेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फॉग जाएगा।